जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि नींबू की माला क्यों चढ़ाई जाती है और कैसे बनाई जाती है और इसको चढ़ाने से क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए मित्रों, नींबू की जो माला होती है वो आप देखते हैं बहुत से मंदिरों के बाहर, जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं या शक्तिपीठ होते हैं माँ काली के, वहाँ पर विशेष रूप से नींबू की माला मिलती रहती है। लेकिन वो जो माला होती है वो 27 नींबू की भी होती है, 54 नींबू की भी होती है, 108 नींबू की भी होती है। लेकिन जो वास्तव में लोग सामान्य रूप से जानते हैं वो ये जानते हैं कि नींबू की माला 11, 21, 51 और 108 नींबू की माला चढ़ाई जाती है। कुछ लोग 31 नींबू की भी चढ़ाते हैं, 5 नींबू की भी चढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से लोग माला चढ़ाते हैं। कुछ लोग बाज़ार की चढ़ाते हैं, कुछ लोग घर से बना करके चढ़ाते हैं। लेकिन जो सही नींबू की जो गणना होती है वो क्या होती है वो लोग इस बारे में नहीं जानते। देखिए, नींबू की जो माला चढ़ाई जाती है वो 9 के गुणा में चढ़ाई जाती है। यानी आप 9 नींबू की माला चढ़ाएं, 18 नींबू की चढ़ाएं, 27 की चढ़ाएं, 54 की चढ़ाएं और अधिकतम आप 108 नींबू तक की माला चढ़ा सकते हैं। 108 नींबू से ज़्यादा की माला नहीं चढ़ाई जाती। और जो ये नींबू की माला होती है ये आदिशक्ति महाकाली को, कंकाल काली को, भद्रकाली, दक्षिण काली, आशुमैत्रानी, चामुंडा चंडी, इन सभी देवियों को माँ काली की जो ये नींबू की माला होती है वो चढ़ाई जाती है। जो नींबू की माला होती है वो मंगलवार को चढ़ानी चाहिए। कुछ लोग इसको शनिवार में चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो आपको ये माला मंगलवार के दिन चढ़ानी चाहिए, जो कि आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। लेकिन नींबू की जो माला होती है वो माँ शीतला को नहीं चढ़ाई जाती। केवल यही अंतर होता है माँ शीतला की पूजा में कि शीतला माँ की पूजा में ना तो नींबू का प्रयोग किया जाता है और ना ही माँ को नींबू की माला चढ़ाई जाती है। और जब नींबू की माला बनाई जाती है उस समय पर जो नींबू आप लेते हैं ना तो वो दागिल होने चाहिए और ना ही वो खंडित होने चाहिए, और आपको पीला नींबू भी नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं, पीले नींबू की माला चढ़ाते हैं और पीले नींबू देखते हैं कि साफ़ नींबू है तो हम उसकी माला चढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नींबू की माला चढ़ाई जाती है वो हरे नींबू की माला चढ़ाई जाती है, यानी जो नींबू पका हुआ नहीं होता, कच्चा नींबू जिसको बोलते हैं, हरा नींबू, उस नींबू की माला माँ को चढ़ाई जाती है। और जो नींबू की माला बनाई जाती है वो मैंने आपको संख्या बताई दी है, 9 और 18 27 यानी 9 के गुणा में चलती है। और नींबू की माला बनाने के लिए आपको जो धागा प्रयोग करना है वो आपको सफ़ेद धागा आप ले सकते हैं, बाज़ार में सफ़ेद धागे में भी मिलती है। लेकिन अगर आप घर पर बना रहे हैं तो आप इसमें या तो लाल धागे का प्रयोग करें या फिर काले धागे का प्रयोग करें। सफ़ेद धागा भी चल सकता है, लेकिन अगर लाल और काला होगा तो अति उत्तम होगा। नींबू की माला अगर आप अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो 108 नींबू की माला आप बनाएं और बना करके माँ भगवती के, माँ काली के मंदिर में आप चढ़ाएं, और चढ़ाने के बाद में ये आपको मंगलवार के दिन चढ़ानी है। अगर आपकी कोई इच्छा है या आप कोई अपनी ऐसी कामना पूरी कराना चाहते हैं माँ से, तो आप नींबू की माला 108 नींबू की माला चढ़ाएं माँ को बना करके, और साथ में ये माला आपको मंगलवार के दिन चढ़ानी है। और इसके साथ ही आपको श्रृंगार का सामान, कपूर, लौंग, इलायची, मिठाई, फूल माला, जायफल इत्यादि साथ में चढ़ाना है, क्योंकि माँ को ये सभी चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। और अगर आप इस तरह ये सभी सामग्री के साथ में नींबू की माला माँ को चढ़ाते हैं तो आपकी इच्छा जो होती है वो अवश्य पूरी करती हैं और माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, माँ की विशेष दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है। देखिए, नींबू की माला चढ़ाने का क्या महत्व है, क्यों चढ़ाई जाती है माँ को नींबू की माला। देखिए, माँ जो है अपने गले में मुंड माला धारण करती है, लेकिन ये कलयुग का समय है, इस समय पर माँ को मुंड माला चढ़ाना असंभव है, क्योंकि कानून होते हैं और मुंड कहाँ से लाएगा कोई व्यक्ति,
तो जो नींबू होता है वो मुंड का प्रतीक होता है, तो उसी प्रतीक के लिए ये नींबू की माला माँ को अर्पित की जाती है। और जो व्यक्ति माँ को नींबू की माला भेंट करते हैं, माँ उनसे बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आप नींबू की माला चढ़ाने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नींबू की माला बनाने के बाद में आपको उस पर सिंदूर की तिलक लगानी है, यानी सिंदूर की बिंदी उस नींबू पर लगानी है। यानी अगर आप 108 नींबू की माला चढ़ा रहे हैं तो आपको 108 नींबू पर ही सिंदूर की तिलक लगानी है। लेकिन सिंदूर, अब आप ये कहेंगे सिंदूर कौन सा? सिंदूर होता है जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है, उसी को सिंदूर कहा जाता है। और बाकी जो लाल रंग का होता है उसको कुमकुम बोलते हैं। तो आपको वो हनुमान जी वाले सिंदूर को या तो आप तेल में मिला लें या फिर आप पानी में मिला लें। तो उस मिलाने के बाद, घोल बनाने के बाद में आपको प्रत्येक नींबू पर एक बिंदी का तिलक करना है। तो सभी नींबू पर इस प्रकार से तिलक करने के बाद ही माँ को वो माला चढ़ाई जाती है। तो मित्रों, ये सभी अगर आप करते हैं, माँ भगवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ भगवती माँ काली को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से नींबू की माला माँ काली के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर माँ दुर्गा को भी नींबू की माला चढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो विशेषतः जो प्रचलित है वो माँ काली के लिए ही नींबू की माला का प्रचलन है। तो लोग माँ काली को ही नींबू की माला अर्पित करते हैं। तो आप भी इसी प्रकार कीजिए, माँ भगवती आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उसको अवश्य पूर्ण करेगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब जो मेरे सब्सक्राइबर का प्रश्न है वो ये है, वो अनीता कुशवाहा जी का है। इन्होंने मुझसे कहा है, माँ प्रणाम, माँ मेरे सिर में माँ का वास था लेकिन मेरे हस्बैंड ने हटवा दिया, जब दोबारा खुलवाया तो वो बात नहीं थी, मैं किसके पास गई थी, उन्होंने पहले तो माँ को खोला, बाद में दोबारा बुला के सब बंद कर दिया, अब मैं क्या करूँ, कोई उपाय बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ, माँ मदद करो। देखिए अनीता जी, देखिए माँ के साथ आपने ये किया, जब आपके पास माँ थी तो आपने उनको बंद करा दिया और फिर उसके बाद आप उसको खुलवा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, ये कोई खेल नहीं होता। पहली बात तो माँ का शरीर में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन उस उपलब्धि के बाद भी अगर आप माँ को बंधवा देते हैं, यानी वो जो उनकी सवारी होती है उसको बंद करवा देते हैं, शरीर का बंधन करा देते हैं, तो उसके बाद में माँ भगवती आपके शरीर को एक तरह से छोड़ देती हैं, यानी छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन जब वो बंधन खुलवाया जाता है तो उसके बाद में आपके शरीर में वो शक्ति दोबारा आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि जो शक्ति एक बार शरीर छोड़कर चली जाती है उसका वापस आना नामुमकिन सा ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो शक्ति आती भी है तो आप उस ऊर्जा को उसी हिसाब से वापस लाना भी असंभव कार्य होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो उसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ता है, अथक माँ की पूजा करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के माँ भवानी आपसे प्रसन्न होकर के तब आपके शरीर में दोबारा प्रवेश करती है। लेकिन जहाँ माँ का अपमान होता है तो माँ उस जगह दोबारा नहीं जाती, तो आप इस बात का ध्यान करें। साथ ही अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं तो उनकी जितनी सेवा हो सके, क्योंकि जो सेवा करता है मेवा उसी को मिलती है, तो आप बिना किसी फल की इच्छा किए माँ भगवती की सेवा करें, महारानी आप पर जरूर दया करेंगी और वापस आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। अगला प्रश्न है वेदित राय जी का। इनका कहना है, माँ क्या पितृ पूजा औरत कर सकती है? देखिए, पितृ पूजा औरत भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। और अगर आपका पुत्र है, पौत्र है और देता है, कोई भी है, वो सभी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुल में कोई नहीं बचता तो जो देता होता है उसका भी अधिकार होता है कि वो अपना नाना नानी और मामा मामी को जल अर्पण कर सकता है, यानी उनका तर्पण कर सकता है। तो अगर आपके घर में अगर पुरुष उपस्थित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जो स्त्री होती है वो कुलवधु होती है, तो कुलवधु भी अपने पितरों को तर्पण कर सकती है, उनको पानी दे सकती है, क्योंकि पितर अपने कुल से संबंधित सभी व्यक्तियों के हाथ से पानी स्वीकार करते हैं, जल स्वीकार करते हैं।
तो इसमें इतना ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। फिर मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।